Hey everyone, welcome back to the channel Reaction Guru. Assalamu alaikum, namaste. कैसे हैं आप सब लोग? Hopefully ठीक होंगे. मैं हूं अली. मेरे साथ कौन है? Shane here. Shane भाई Reaction Guru channel के बड़े वाले गुरु. तो हम सब आपको चैनल पे वेलकम करते हैं. और एक रिकमेंडेड वीडियो जो काफ़ी रिकमेंडेशन में चल रहा था, सजेशंस में आ रहा था, वो हमने कहा वो कर हम समझ रहे थे जब भी हम डाउनलोड करते थे तो साथ सबटाइटल्स नहीं आते थे. बिल्कुल. तो हमने सबटाइटल्स वाला ये वीडियो देखा है जो कि यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ था. तो अब हम यूट्यूब से ही देखेंगे क्योंकि उसके साथ सबटाइटल अटैच है. थोड़ा ईजी हो जाएगा समझने में, तो लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाएगा. तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. वीडियो आता है रोज बाय रोज. चले भाई, आज का वीडियो शुरू करते हैं. हिस्ट्री ऑफ नेपाल, गोपाल डायनेस्टी. काफ़ी कुछ हम जो है वो दूसरे वीडियो से देख चुके हैं. राणा फैमिली वहाँ पर करती रही रूल. 2008 के बाद आई थी डेमोक्रेसी, इस तरह कुछ आई थी. यस. विद्या किंगडम 356 BC. इसके अंदर सोमा डायनेस्टी. लिच्छावी 400 बर्थ ऑफ अंशुवर्मा. मुस्टैंग आ गया जी. मुस्टैंग ये अच्छी जगह है, खूबसूरत. ठकुरी ये भी हमने शायद देखी हुई है. वो भी ठकुर गांव था. वो और चीज ठकुरी छोटे छोटे एरिया से. ओ ये बहुत बड़ा एरिया है. खास किंगडम, खास है वाकई. ये कुछ बड़ा ही खास. बर्थ ऑफ अरानी का मला 1221 सेंचुरी. कोलैप्स हो गया. छोटे छोटे अब वो लेटेस्ट नाम जो है उनके उस तरफ आएगा. तो बहुत पुराने जो है वो मैप के हिसाब से टाइम टाइम चेंज होती है ना. जियोग्राफी भी रूलर्स चेंज होते हैं. काफ़ी सारे यहाँ बंदर छोटे छोटे किंगडम्स बन गए. वो जो सबसे बड़ा था खास वाला, उसके डिवीजन के बाद तो यूनाइटेड किंगडम. ये कहाँ से आया कैप्शन? अब पूरा वो मैप नेपाल वाला जो है वो बनना स्टार्ट हो गया. ऊपर उसके टाइम आ रहा है 9200. ये टाइम जो है हमारे लिहाज से तो वो नहीं है ना. ये इनकी नेपाली राइटिंग में भी चेंज है वो काफ़ी. और इस वक्त हमारे पास अब सब टाइटल्स हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं.
ये तो पूरा हिस्ट्री का चल रहा है अभी सारा मैप में, एक बड़े मैप से अब सैकड़ों छोटे छोटे पार्ट्स हो गए हैं उसके। हर एरिया की डायनेस्टी चेंज हो रही है टाइम टू टाइम। फिर इनका वो 1700 में शाह जो आया था इनका उसने सारा किंगडम इकट्ठा किया था। मेरे ख्याल से पहले नेपाल ज़्यादा बड़ा था, उसके बाद इसके कुछ कमी भी हुई है, क्योंकि ये जो लैंड का मैप का दिखा रहे हैं इस हिसाब से तो बहुत बड़ा होना चाहिए इसे। ये पूरा लैंड ग्रीन वाला पोर्शन, मैप चुड़ाई में है जरा लोस है ना, वो इनकी जो ब्रिटिश के साथ उसमें एग्रीमेंट हुआ था उसमें काफ़ी सारी लैंड इनकी वो चली गई थी ना, लूज कर दी थी इन्होंने। लंबा बहुत है, चुड़ाई में कम है। अच्छा, और बनाई जा रहे हैं टाइम के साथ साथ न्यू स्टेट्स न्यू सिटीज। काफी एरिया हो गया है, पृथ्वीनारायण शाह स्टार्टेड 1743। यार ओ सबको बीच में खत्म, फिनिश पुराने वाले। बड़ी मछली छोटी मछली को खा नहीं जाती, पूरा पोर्शन रेड हो गया। ओह साथ वाले को भी, बड़े बड़े को भी एक्सपेंशन होती जा रही है, ये छोटे रह गए। चलो एक एरिया तो एक तरह से पूरा इन्होंने कवर कर लिया। पूरा ही मैप ग्रेटर नेपाल ब्रो। यू डू द सिविल ट्रीटेड ऑफ एरिया इन नेपाल लॉस्ट टू द वेस्ट ऑफ पाली चार्ट ऑफ रहा है नॉर्थ बंगाल सिक्किम ये इंडिया के पास। मैं अब छोटा हो गया, कितना कितना बड़ा था नेपाल। राणा रूल स्टार्टेड, ये राणा रूल स्टार्टेड हो गया। ठीक है, राणा फैमिली चल रहा है, इन्होंने अच्छा कुछ एरिया वापस ले।
जो कुछ भी लिख रहे हैं इनका सब टाइटल ऊपर नहीं आ रहा। एंड ऑफ राणा रूल 1951 डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश 1951 पंचायत सिस्टम स्टार्ट हो गया पंचायत एंड अ पंचायत ये मैं रिलीज कर दिया 1919 एंड ऑफ मोनार्की नेपाल 2008 ये 2008 में ये वीडियो हमने देखा फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल दिस इज द लेटेस्ट नेपाल ओके व्हाट अ वंडरफुल वीडियो यार मतलब हर एक चीज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कंप्लीट हिस्ट्री कहां से स्टार्ट किया कहां तक सबसे जो नुकसान वाला जो एक दिल दुखाने वाला पार्ट होता है वो जब स्प्लिट होता है आपका कंट्री दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग। हमने वीडियोस में पहले मतलब सारा कुछ तो तकरीबन हम जान ही चुके थे लेकिन ये नहीं पता था कि मैप इतना बड़ा था और उसको आज कुछ लोग जो है वो तो हमें बता रहे थे कि ग्रेटर नेपाल तो हमने कहा चलो फिर किसी दिन देखेंगे लेकिन अब इस वीडियो में भी कुछ पहले 3-4 मिनट आए सब टाइटल्स इंग्लिश फिर उसके बाद चले गए फिर बीच में आ रहे थे मेन मेन इवेंट्स के तो उस तरह से प्रीवियस हिस्ट्री नहीं पता चली लेकिन जो ग्रेटर नेपाल की हिस्ट्री जहाँ से शाह डायनेस्टी शुरू हुई और उन्होंने वो सारा क्लियर हो गया कि किस तरह कितना बड़ा एरिया नेपाल ने लूज़ किया है। ग्रेटर नेपाल को जो है आज का लेटेस्ट अब तो हमने जो मैप लेटेस्ट नेपाल है उसमें तो काफ़ी छोटा एरिया रह गया नेपाल का बहुत ही कम एरिया रह गया है तो वीडियो वाज अमेजिंग और अच्छा लगा देखकर थोड़ा सा हमें भी इन्फॉर्मेशन मिली और आपको आप में से बहुत सारों को मिल गई होगी जिनको नहीं पता था कुछ होते हैं हमारी तरह हिस्ट्री में कमज़ोर स्टूडेंट्स तो हाँ तो उनको भी आज मिल गई होगी तो मिलेंगे आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया और इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर शेयर किया करें तो अपना ख्याल रखें आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक टेक केयर अल्लाह हाफिज़।